नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आपके। जो है अगर आपको भी अपना वेल्डिंग का काम स्टार्ट करना है जो है, और आपको जो है स्टील वेल्डिंग का काम स्टार्ट करना है, कितना बजट आता है, कैसे आप अपना वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए जो है। क्योंकि आज हम जो है मिलने वाले हैं डायरेक्ट जो है शॉप के ऑनर से, जिनका खुद का जो है वेल्डिंग वर्कशॉप है, ये काम कराते हैं जो है। तो आज ये वीडियो होने वाला आपका प्लस मालूम चलेगा। और मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्केटिंग और वीडियो प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल पे आप जुड़े रहिए क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो आइए डायरेक्ट जो है शॉप के ऑनर से बात करते हैं और इनसे जानते हैं इनके पास क्या प्रोडक्ट है और कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यू ब्लॉगर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद विश्वकर्मा। अपनी शॉप का एड्रेस बता दीजिए। रामा स्टील्स एंड फर्नीचर, हरियाणा ज्ञानपुर रोड भदोही में है मेरी शॉप। और आपको सब सस्ते दामों में सब कुछ उपलब्ध है सर। आपके पास सर्विसेज क्या क्या है? सर्विसेज में आपको मिल जाएंगे जैसे लोहे का ग्रिल, स्टील का ग्रिल और गेट, और आपको आयरन प्रोफाइल सीट मिल जाएगा, और प्रोफाइल सीट फाइबर सीट मिल जाएगा, और आपको गेट और टाटा की पाइप का बना हुआ मिल जाएगा, आपको अपोलो कंपनी का पाइप का मिल जाएगा, और आपको सबसे लो क्वालिटी में आपको मिल जाएगा कम से कम दामों में JDS की कंपनी का पाइप का बना रहेगा, JDS कंपनी का पाइप रहेगा, उसका आपका रहेगा ग्रिल या गेट, वो आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा, मिनिमम 70 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, एक चीज़ और बताइए, जो है कोई अपने कस्टमाइज अपने हिसाब से डिज़ाइन कोई करवाना चाहता है तो उसके लिए हो जाएगा? जो डिज़ाइन जिसको जो कस्टमाइज चाहिए वो डिज़ाइन मेरे साइट पे भी अवेलेबल है। ओके। और मेरे यूट्यूब में भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और आप जो नेट वगैरह से निकाल के लेके आएंगे वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बना के दे सब कुछ आपका बन जाएगा। चलिए ठीक है जो है। और एक चीज़ बताइए, साइट पे जाके किसी के घर पे अगर काम करवाना है आपको तो वो चीज़? साइट का काम भी आपका करा दिया जाता है, और उसके लिए लेबर चार्ज एक्स्ट्रा होते हैं, मशीन के चार्ज और कई चार्ज होते हैं, रेट चार्ज वो भी है जो। चलिए ठीक है जो है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा जो है वेल्डिंग का, तो उसके बारे में जानकारी देंगे? जी चलिए, तो आज ये वीडियो देखते रहिए आप जो है, क्योंकि वीडियो में होने वाली है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, तो कैसे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस इनके पास क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, तो डायरेक्ट चलिए देखते हैं। तो आप अपने वर्कशॉप को टूर कराइए हमको, दिखाइए कैसे क्या काम होता है। जी जी, आइए भैया, सब आप लोग को दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, मेरे यहाँ बन रहा है आपका ये गेट, और ये आपका मिनिमम जो है कि 9000 में रेडी हो जा रहा है, और इसकी कास्ट जो है 75 रुपीज़ पर केजी पड़ेंगी। और ये देखिए कारीगर लोग काम कर रहे हैं, ये मेरा वेल्डिंग मशीन है, इस मशीन से आप मोटे से मोटा लोहा जोड़ सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग होती है इससे। और ये है मेरा वेल्डिंग रॉड, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये 10 नंबर की यूज की जाती है, ये रॉड आपकी 10 नंबर की है, मार्केट में आपको 650 रुपये पर केजी से लेके 350 रुपये तक है। ये आपका होल करने वाला मशीन है, ड्रिल करने वाला, और ये है आपका कटिंग मशीन, इसको चौपता मशीन बोलते हैं, और वो दूसरी वेल्डिंग मशीन है, स्टील वगैरह वेल्डिंग करने के लिए है वो आपका। ये दिखाते हैं आपको अपना स्टील वर्क, ये देखिए कारीगर लोग काम कर रहे हैं, ये स्टील और लोहे दोनों को काटने की मशीन है, और ये आपका जो है कि स्टील का मंदिर का गुंबज बन रहा है, ये मंदिर का ऐसे वाला गुंबज बन रहा है जो ऊपर वाला होता है, और ये अभी वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है, अभी इसको हॉरिजॉन्टल जब खड़ा करेंगे तो ये पूरा एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको। और स्टील में आपका और क्या क्या काम होता है? स्टील में आपको गेट मिल जाएगा, ग्रिल मिल जाएगा, और अभी तो फिलहाल यही बन रहा है गेट, तो अभी गेट बनने के लिए सीट वगैरह आए हुए हैं, ये सीट है अपने पास अवेलेबल, ये स्टील की सीट है, इस पर लेयर लगा हुआ है, इसको निकालेंगे तो शाइनिंग आ जाएगा। सर ये देखिए मेरे पास है आपको सीढ़ी पे लगाने के लिए स्टेप, बारजे पे लगवाने के लिए स्टेप, इसकी फिनिशिंग देखिए सर, ये अपने यहाँ बनता है, और ये स्टील की पॉलिशिंग क्वालिटी देखिए सर, और ये देखिए सर जिंदल का बना हुआ है, PSSR ग्रुप इसमें लिखा है जिंदल, ठीक है। और सर ये देखिए इसकी क्वालिटी, ये आपको अलग अलग डिज़ाइन में कई प्रकार से मिल जाएंगे आपको, और
ये जिस डिज़ाइन में आप ऑर्डर करते हैं वो डिज़ाइन में आपको बन के मिल जाएगा। सर ये बताइए जो है अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? सर उसके लिए पहले कुछ दिन आपको जैसे 2-3 साल पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर आपको इसको शुरू करने के लिए कम से कम आपको 1-1.5 लाख रुपये तक की मशीनरी वगैरह खरीदनी पड़ेगी और फिर आपको कम से कम 1-1.5 लाख रुपये तक रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप कस्टमर को सजेस्ट करेंगे, फिर उसको डिज़ाइन वगैरह दिखाएंगे और इसके बाद आप रेडी करा सकते हैं। प्लस अपने कारीगर और जो है कि अपना सेटअप बना के ऑफिस बना के आप काम कर सकते हैं और महीने का कम से कम 25-30 हज़ार 40 हज़ार मैक्सिमम और जो भी जैसा आपका सेल हुआ वैसे काम कर सकते हैं। वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले जो है काम सीखना। सबसे पहले आप यही अपना मन लगा के दिल लगा के काम करना सीखिए, इसके बाद ही आपको सारा ज्ञान मिल पाएगा। अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो मशीनरी में उसको क्या क्या लेना पड़ेगा? आइए दिखाते हैं आपको जो जो मशीनें की आवश्यकता लगेगी। जैसे ये है आपका वेल्डिंग मशीन, इसकी कॉस्टिंग लगभग आपकी जाएगी जो है कि आपका ये 7,000 रुपये से स्टार्टिंग लेके आपको 40-42 हज़ार तक के अच्छे से अच्छे मशीनें आपको मिल जाती हैं। मस्ट ही लेना पड़ेगा, ये मस्ट है, आपको लेना ही पड़ेगा, बिना इसके आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। ये दूसरी मशीन आपकी ये है कि छोटे पाइप्स वगैरह को काटने के लिए हैंड ग्राइंडर इसको बोलते हैं, ये भी आपका मस्ट है, बिना इसके आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये इसमें ब्लेड लगा हुआ है और ये मशीनें वगैरह हैं और काम आपका जो है ये आपका लोहे के 1800-2000 के आसपास हो जाएगा, लोहे की काटने की आवश्यकता। और ये है आपका, ये बड़े बड़े मोटे पाइप काटने के लिए मशीनें हैं और ये आप इसी कॉस्टिंग लगभग आपकी 13,000 से 14,000 रुपये के आसपास जाएगी। अच्छी क्वालिटी की लेंगे, जैसी कंपनी आप लेंगे सस्ता महंगा सब ये भी लेना ही पड़ेगा। ये आपका मस्ट है और ये आपका ड्रिल मशीन है लोहे में छेद करने के लिए, इसमें हैंड ड्रिल वगैरह से छेद नहीं किया जा सकता है, किसी से आपको होल करना पड़ता है। इसकी कॉस्टिंग जो है 17,000 से 18,000 रुपये है। और अच्छे लेवल पर काम करने के लिए आपका वेल्डिंग मशीन भी आपको रखना पड़ेगा, कम से कम 2-3 पीस जो है 2-3 पीस आपको मशीनें वगैरह रखने पड़ेंगी। आपको एक ड्रिल मशीन, एक चपसा मशीन मस्ट है और ग्राइंडर तो आपको कम से कम 5 या 6 ठो रखना पड़ेगा। कारीगर जैसा आपका काम चले उनके हिसाब से 8 से 10 कारीगर कम से कम रहेंगे तो आप महीने का कम से कम 40 से 35 हज़ार वो आपके ऊपर डिपेंड। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली, वेल्डिंग से रिलेटेड, वेल्डिंग कारखाना चलाने से लेकर वेल्डिंग कराने तक सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को अच्छी लगी जो है अगर तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और भैया से आपको जो है वेल्डिंग से रिलेटेड कोई भी काम कराना होगा तो मैं इनका नाम एड्रेस सारा जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके काम करा सकते हैं, वो भी उचित दामों पे जो है इन्होंने जैसा बताया। और रही बात ब्रांडिंग की, उनके पास सारे ब्रांड अवेलेबल है, इन्होंने खुद बता दिया। और आपको अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे व्यूअर्स को एक बार जो है सबको जो है ये बता दीजिए जो है कि जो भी व्यूअर्स आते हैं जो है वीडियो के माध्यम से जो है तो उनके लिए जो हो सकेगा ऑफर आप कर देंगे, उनको अवेलेबल कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा जैसे 5%, 4% जो भी उस समय देखा जाएगा जो उचित होगा उस समय उनको वो डिस्काउंट दे दिया। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे किसी नए वीडियो के साथ हमारे वीडियो के सब्सक्रिप्शन होने चाहिए, उनके लाइक्स होने चाहिए, उनके कुछ कमेंट्स होने चाहिए, उनको कुछ डिस्काउंट दिया। देखिए इसलिए कहा जाता है, देखिए हम लोग आपके लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, आपको घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन मिल रही है बिजनेस से, तो इससे ये होता भी है कि आप लोग जो है एक सपोर्ट, आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए जो एक मोटिवेशन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से जो है आपका लाइक कमेंट शेयर आता है तो वीडियो को अपना प्यार बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। फिर ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।